हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ पके हुए आम की दो तरीके से बनने वाली ड्रिंक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, एक से दो आम लेंगे। तो यहाँ पर मैं दो आम यूज़ कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो आप आम और भी ले सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि आम को काट कर इसका जो अंदर का पल्प है वो निकाल लेंगे। इसके लिए आम को काटेंगे और इस तरीके से इसमें कट्स लगाते जाएंगे, और इसके बाद हम एक स्पून की हेल्प से स्क्रैप करते हुए इसका सारा पल्प निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी से इसका सारा पल्प जो है निकल रहा है। आप चाहे तो आम को छील कर भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं। तो ऐसे ही हम दोनों आम का पल्प निकाल लेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक मिक्सी जार लेंगे और उसमें जो भी हमने पल्प निकाला है उसे पूरी तरीके से डाल देंगे। यहाँ पर हम इसमें से 2 से 3 चम्मच के करीब पल्प बचा लेंगे। इसे हम बाद में ऊपर से गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने 2 से 3 चम्मच के करीब आम का जो पल्प है वो बचा लिया है। तो इसे अब हम साइड में रख देंगे और इसमें 2-3 चम्मच के करीब चीनी ऐड करेंगे। इसके साथ ही 1.5 गिलास के करीब दूध ऐड करेंगे और 2 से 3 चम्मच वनीला आइसक्रीम ऐड कर देंगे। अब इसके बाद हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए पीस लेंगे। और यहाँ पर हमारा जो मैंगो शेक है वो बनकर एकदम तैयार है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ना ही ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा पतला है। मैंगो शेक की कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग गाढ़ी और पतली रख सकते हैं। अगर आप इसे थोड़ा गाढ़ा बनाना चाहते हैं तो 1 कप के करीब ही दूध ऐड करें। तो मैंगो शेक सर्व करने के लिए हम इसे 1 गिलास में डालेंगे, ऊपर से थोड़ी सी वनीला आइसक्रीम डाल देंगे और जो हमने आम के क्यूब्स कट करके रखे थे उसे डाल देंगे। इसके बाद इसके ऊपर से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। तो आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा जो मैंगो शेक है वो बनकर एकदम रेडी है। अब हम बनाएंगे मैंगो मस्तानी। तो मैंगो मस्तानी बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, बस हम क्या करेंगे कि 1 ग्लास लेंगे, उसमें जो हमने आम के कटे हुए क्यूब्स रखे थे वो डाल देंगे। इसके बाद इसमें थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर टूटी फ्रूटी भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद जो हमने शेक तैयार किया था उसे 1/2 ग्लास तक भर देंगे। इसके बाद ऊपर से 1 से 2 चम्मच के करीब वनीला आइसक्रीम ऐड करेंगे और साथ ही कटे हुए ड्राई फ्रूट भी ऐड कर देंगे। फिर जो बाकी बचा हुआ शेक है उसे भी ऊपर से डाल देंगे और इसके बाद ऊपर से 1 चम्मच के करीब वनीला आइसक्रीम और ऐड कर देंगे। इसके साथ ही कटे हुए आम के क्यूब्स डालेंगे और थोड़े से ड्राई फ्रूट भी ऐड कर देंगे। और यहाँ पर हमारी मैंगो मस्तानी जो है वो भी बनकर एकदम तैयार है। तो आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसे लगे। और रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे कि नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के अपडेट आप लोगों को मिलते रहें।